एक सेंटेंस में बोलना बंद करो। जी नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार कैन और इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं एक बहुत ही खास शख्सियत जिनको भारत देश के अंदर भोजन कवि के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में एक बहुत ही अच्छे अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे छात्र होते हैं उनके लिए वो ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं। और मेरे साथ में जो बेहद खास शख्सियत मौजूद है उनका नाम है आदरणीय सचिन कुमार निगम साहब। निगम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद के सर, मैं आभार करता हूँ कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया है। बहुत साल बाद। तो आज एक छोटी सी हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम रखी है, कोई बहुत ज्यादा विशेष उपलक्ष्य में नहीं है, कोई बहुत ज्यादा गंभीर से मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। और शायद आप लोगों को आवाज मेरी आ रही होगी, अभी कोई देखने वाला सुनने वाला हमें इस वक्त मौजूद नहीं है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आवाज हमारी आ रही है या नहीं। आवाज शायद आ रही है हमारी, सही है ना? आवाज हमारी आ रही है सही। और तो निगम साहब आपका पहले एक बार फिर से बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है हमारे इस लाइव स्ट्रीम में। तो और अभी अभी एक और खास जानकारी आप लोगों को दे दें कि हमारे जो बहुजन कवि हैं वो हाल ही में एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना से उभर करके आए हैं। ऐसा बताते हैं कि बस जान बच गई किसी तरह से, और उनके जो एक पैर है उसमें फ्रैक्चर था, काफी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे और पैर में उनके रोड डली हुई। तो सबसे पहले तो हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको देंगे कि आप एक बहुत बड़ी दुर्घटना से उभर करके यहाँ हमारे साथ में आज लाइव आकर के बैठे हुए हैं। तो सर सबसे पहले हम उस दुर्घटना पर भी बात कर लेते हैं, वास्तव में क्या हुआ था थोड़ा बताइए। के साहब, ये एक बड़ा भयानक हादसा था। मैं हापुड़ से क्लास करा करके लाइव क्लास में कराता हूँ, लिखे क्लास पर लाइव क्लास में आती है और इसी के साथ साथ अब अनअकैडमी पर भी क्लास में जा रही है। ये जो लिखते क्लासेस है एक यूट्यूब चैनल है और इस पे मेरी क्लास है पिछले 3 महीने से। तो 29 तारीख की लॉकडाउन में शादी थी छोटी बहन की, जो अप्रैल में होनी थी वो छूट गई थी लॉकडाउन के कारण। तो उस सिलसिले मुझे घर पे आना जाना पड़ रहा था, तो मैं यहाँ से जैसे ही निकला था, रात का जागा हुआ था या नहीं था, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे नींद आ रही है, हालांकि मैं पूरी रात उस दिन सोया था। तो जैसे मैं यहाँ से निकला, जिस जगह वो दुर्घटना घटी है उस जगह जाकर के मेरी आंखें लग गई है, जैसे मैं सो गया हूँ। बस ये आप मान लीजिएगा इस पे तथागत गौतम बुद्ध की कृपा रही है कि मैं रोड से खाई की तरफ गिरा हूँ, उस पे मेरे साथ में 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे, उनको चोट नहीं आई है। और मुझे केवल और केवल जो मेरा पैर है, राइट लेग है, उसमें चोट लगी है, उससे अलग कहीं मुझे पहुंच के नहीं आई है। ये आप लोगों का प्यार है, इतना जो मुझे प्यार मिलता है आप लोगों की तरफ से, इतनी दुआएं हैं बहुत सारे साथियों का, बाबा साहब के अनुकंपा से जो मुझे प्यार पूरे भारत में मिला है। उस दिन मुझे जिस समय मैं वहां पर पढ़ा था, तो मुझे सबसे पहला मैसेज ये आया कि कहीं ना कहीं अगर आज जान बची है तो कहीं ना कहीं तथागत गौतम प्रभु पूज्य बाबा साहब और आप जैसे प्यार देने वाले साथियों की वजह से मैं बच गया वहां पर। और पिछला अभी 1 महीना हुआ नहीं है, तो काफी, हालांकि एक बात और बहुत अच्छे के सामने इसको पर्सनली आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जितना बड़ा हादसा है, अब आज मैं चलने से परेशान हूँ, आने जाने से परेशान हूँ, बस परेशानी ये तो दिखाई देती है सुबह शाम की, मैं चलने से परेशान हूँ, लेकिन अभी तक मन में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ मुझे कि हाँ कि मेरा पैर टूटा है, इसमें रोड पड़ी है और मैं बड़ा परेशान सा फील करूं। अभी तक एक बार भी दिल की धड़कन वालों ने मुझसे गुस्ताखी नहीं किया, मुझे लगता है कि हाँ बस जो हुआ है तो सबके साथ होता है। कहते ना कि जैसे कोई हमारे घर में परेशानी होती है तो हमें और ज्यादा हिम्मत आ जाती है, हौसला और बढ़ने लगता है, तो वैसा ही आपके साथ भी है। और हमारे साथ में इस वक्त इंजीनियर सुशील कुमार जी मुरादाबाद से आप ताल्लुक रखते हैं, जुड़ चुके हैं। अनु तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव स्ट्रीम में। तो निगम साहब, आपका जैसे कि आप किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं, और लेखन के क्षेत्र में काफी आपका विशेष योगदान है और देश भर में बहुजन कवि के नाम से आप विख्यात हैं। तो सर सीधे सीधे हम लेखन पर बात करेंगे, कुछ ना कुछ आज के इस लाइव स्ट्रीम में हम आपसे सुनना भी चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये जो लेखन की शुरुआत है ये आपने कहाँ से की, क्योंकि मैं आपकी आपसे पहले काफी सारी कविताएं सुन चुका हूँ और
सच में मुझे बहुत ज्यादा कुछ पसंद भी है, कई बार मैं शाम के समय सोने से पहले उनको गुनगुनाता भी हूँ। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो लेखन की शुरुआत है ये कहाँ से हुई? देखिए बड़ा अजीब सा एक मैं आपसे कह सकता हूँ कि सोच है इसमें रखी हुई, सोच रखी है। और आपको समय समय पे इंस्पायर होने के लिए कुछ लोग मिलते हैं, कभी किसी से सीखने के लिए मिलता है, कभी किसी से सीखने के लिए मिलता है। बचपन से मैं सोच रहा था, मैंने जब बचपन की मैं बात बता रहा हूँ, तो फिल्में आया करती थी उस समय गांव में, टीवी किसी किसी के हुआ करते, गांव या शहर उस समय टीवी बहुत कम हुआ करते थे। तो मैं देखता था कि मैंने एक बार टीवी देख रहा था, मैं दूसरे घर पर जाकर के, तो फिल्म आती दीवार, जी। तो उसमें क्या था, दीवार में अमिताभ बच्चन साहब थे, चमड़े का जूता उन्हें पहना हुआ था और बड़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी थी। तो मैंने कहा चमड़े का जूता पहन रखा है इसने, मतलब ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों में। तो एक कहता यार जो बड़े लोग होते हैं चमड़े जूते पहनते हैं, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा यार जो बड़े लोग होते हैं जूते चमड़े के पहनते हैं। मैं अपने घर पे गया, पापा हमारे ये मान के चले पुलिस में रहे हैं, मैंने उनसे कहा पापा कि मुझे चमड़े के जूते चाहिए, छोटा सा था मैं, कहने लगा चल तेरे जूते चमड़े कहाँ से आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बड़ा आदमी होना, चमड़े जूते चाहिए। तो उस समय में 94 या 93 की ये बात है, उन्होंने मुझे ला करके रैक्सीन के जूते ला करके दिए थे। मैंने आज तक अपने पैर में चमड़े के जूते से अलावा या रैक्सीन से अलावा मैंने कोई दूसरा जूता नहीं पहना। मैंने जो आप पहनते थे जैसे ये स्पोर्ट के जूते, मैंने कभी उनको नहीं पहना। तो मैं पहले से बड़े होने की लगने था। 1998 में गांव में शादी थी, तो वहां पर लोग देख रहे सुने थे रागनिया, उस समय टेप रिकॉर्ड चला करते थे, तो जिसमें रील होती थी, रील बाहर निकल जाती थी आपको याद होगा, तो उसमें रागनिया चल रही थी, रागनिया आती थी, लोकगीत आया करते थे। तो मैंने देखा कि पूरा गांव रागनी मतलब उस टैपरी कोड के चारों ओर बैठा हुआ है। और मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा यहाँ टैपरी कोड वाले मतलब टैपरी कोड में जो रागनी चल रही है, अगर इस रागनी को सुनने के लिए ये तमाम लोग गांव में इकट्ठे हो सकते हैं, अगर गलती से यहाँ पर वो आदमी आ जाए गाने वाले, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो मैंने सोचा इससे बड़े तो काम हो नहीं सकता फेमस होने के लिए, अमिताभ बच्चन तो हम नहीं बन सकते, लेकिन गाँव को भी लेवल के हम बन सकते हैं। तो मैंने वहां से सीखा। जय भीम विजय सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुरादाबाद से जुड़े हैं, सुशील जय भीम नवोदय, और यहाँ पर अनु जी आपको भी नवोदय जय भीम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और सभी साथ के जो लाइव है उन सभी को नवोदय जय भीम, जय संविधान, जय रूपानी प्रसाद आश्रम, मैं सभी का आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उसने मैंने देखा कि यह इतना बड़ा, तो मैंने उस समय से राजनीतिक गुनगुना शुरू कर दिया। अब ये सिलसिला 9, 10, 11, 12 4 से 5 साल चला, अच्छा खासा गांव तरफ नाम हुआ। अब हम चलते हैं 2006 में 12th पास करते हैं। अब 12th पास किया, शहर में आ गए, अब शहर में कौन आपकी राजनीति सुनेगा। तो वहां पर आकर के तब तक मैंने हल्का फुल्का लिखना शुरू किया था। मेरे वाली के लड़के हैं वो काफी अच्छे कवि हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम अच्छा गाते हो, तुम लिखा भी अच्छा करो। उनका नाम है मुनेंद्र सिंह, मुनेंद्र सिंह बहुत अच्छे कवि हैं और वो लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने मुझे इस बात को कहा और उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उस समय में पहली रचना लिखी और लिखी, वो अच्छी लगी, खुद को मुझे अच्छी लगी, तो मैंने 2006 से लिखना शुरू किया। 2009 में पहली मेरी पोयम माँ की ममता और बिलखता बचपन दोनों साथ एक साथ आई है। उसके साथ साथ में धीरे धीरे आप साथ मुझे कवि कहना शुरू कर दिया और मैं आज थोड़ा सा एक पहचान हूं, लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं अपनी पोस्ट पर ये लिख सकूं कि मैं, आपने देखा होगा मेरी पोस्ट पर मैं लिख देता हूँ आपका अपना साथी सचिन कुमार निगम मेरे उत्तर प्रदेश, अभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं लिख दूंगा मुझे कवि सचिन कुमार निगम, इतना नहीं। लेकिन हाँ वहां से ये सीखने का सिलसिला रहा कि एक मार्च मतलब एक फेमस होना, इस तरह की सब बातें होती रही है, तो मैंने यहां से शुरुआत की जी। बहुत तो मतलब कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आपने जो हमारे गांव देहात में रागनियां चलती हैं वहां से एक शुरुआत की, और जैसे आपने देखा कि भाई अब रागनियों का जो दौर है वो थोड़ा कम सा हो गया, हमारे युवाओं के बीच में रागनियां तो थोड़ी कम प्रसिद्ध हैं और युवा जो हैं वो रागनियां देखना बहुत सुनना बहुत कम पसंद करते हैं, तो आपने जो रुख है वो रागनियों की तरफ से कविता की तरफ मोड़ दिया। तो सर इस वक्त हमारे साथ में लगभग 9 लोग लाइव हम लोग को देख रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते, तो सीधा सीधा बस कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ पंक्तियां या कोई कविता आप सुना दें, उसके बाद में जो बातचीत का सिलसिला है इसको जारी रखेंगे जी। हाँ ये तो देखिए जैसे आपने अच्छा सा क्वेश्चन किया कि आप कुछ उसमें सुना दें, तो सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि आपका कुछ इशारा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको कौन सा कि इस तरह से सुना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।
मैं चाहूंगा कोई भी, क्योंकि हम आज जो है आपको लगभग 30-40 मिनट या जहां तक हमारे दर्शक अभी चाहेंगे, जो लोग हमको इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं जहां तक वो देखते रहेंगे वहां तक हम इस लाइव स्ट्रीम को सर्दी प्ले करके चलेंगे, तो सर्दी बहुत हम आपको छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है, और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके आज इसकी लाइव स्ट्रीम में उतना हम आपसे सुन लेंगे, तो कुछ भी शायद ही कुछ बचेगा, तो आप शुरुआत जहां से करना चाहें वहां से कर लीजिए, बिल्कुल अपनी सर, फरमाइश हम आपसे पूरी करवा लेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद, मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी साथियों से निवेदन है, थोड़ा सा लाइक शेयर मारते चले जाइएगा, इसे ऐसे बनाते चले जाइएगा, देखते हैं आप कितना प्यार देते हैं। जैसे कि साहब ने बिल्कुल सभी बातें मेरे सिर पर रख दी है कि ऊपर भी आप हैं, नीचे भी आप हैं, पीछे भी आप हैं, कहते हैं कि सब कुछ जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है, तो कभी कभी ऐसे समस्या आते तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन कैसे हो सकता है जहां पर केर साहब बैठे हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि साहब, मैं अभी एक रचना है मेरे लास्ट ईयर की लिखी हुई एक रचना है, उसे मैंने अभी पिछले बहुत सारे मंचों पे मैंने उसे ही गाया है। हो सकता है कुछ साथी यहाँ पर जुड़े हुए हो, कहे कि यार साहब ने फिर से वही कुछ सुनाया, और वैसे भी मसला ये नहीं क्या था कि आप क्या सुनाते, मसला ये क्या था कि जरूरत किस चीज की है। हमारे पास में मेरठ से आप चलेंगे मधुबन की तरफ चलेंगे, रास्ते में अमोह पड़ता है, तो अमोह की घटना है जिसमें एक गरीब परिवार है, जिसका गरीब परिवार या गरीब दंपत्ति है, पति पत्नी है और उनके 4 बच्चे हैं। पति जो है ट्रक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और उन्हें किसी न किसी कारण पुलिस पकड़ लेती है, देख सकते हैं आप भ्रष्टाचार कैसा फैला हुआ है, पुलिस उसे पकड़ लेती है, अब उसे जेल के अंदर रखती है 4 दिन, उसकी पिटाई करती है, उसे 1 लाख की रिश्वत मान ली जाती है। अब उसकी पत्नी 50,000 रुपए गहने देख करके इधर उधर ले करके वो दे आती है, लेकिन होता क्या है, उसकी जो पति है उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा पीटा गया होता है। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को लेकर के फिर रही है, उसका पति मर चुका है, 50,000 वो दे चुके हैं, 50,000 बाकी है। अब इस स्थिति में एक माती वेदना, एक पत्नी जो अभी छोड़ चुकी है अपने पति से, जिसके पास 4-4 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं अगर आप इस दर्द को थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर के चलेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो सकता है, इतना दर्द कैसे आ सकता है, आप कह सकते हैं जी। बिल्कुल, तो मैंने उस दर्द को देखा है, सहज मैंने इसको लिखा, बहुत बार आंसू आंखों से गिरे हैं, तो जी सर इसमें बड़ा दर्द है छुपा हुआ, क्योंकि एक माँ की ममता भी है, एक पत्नी का प्यार भी है, और एक वो जो अब उसके सामने चुनौतियां बनकर खड़ा हो चुका है। तो मैंने वहां से शुरुआत की है, मैं आपको, अब वो जब पत्नी थाने पहुंचती है, उस पति को देखती है पड़े हुए, तब तो वो किस तरह के सवाल करती है, तो मैंने वहां से कुछ लिखने का प्रयास किया है, तो मैं करता हूं, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। जी, तो किस तरह से एक पत्नी कहती है, और मैं ओज का कवि बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तरुण का कवि हूँ, और काफी के बाद मैं गाना गला भी, कोई बात नहीं, गले को तो आप एडजस्ट करने की दिक्कत नहीं है, तो तरुण में है तो आपको मैं सुनाता हूँ किस तरह से एक पत्नी, किस तरह से है, आपका प्यार मिलता रहेगा तो बहुत अच्छा चलते रहेंगे, चलिएगा। किस तरह से कहती है, स्वागत, कब तक रहोगे मेरे साथ में, कब तक रहोगे मेरे पास में, कब तक रहोगे मेरे साथ में, कब तक रहोगे मेरे पास में, यूं ना जाइएगा हमें छोड़कर, कब तक रहोगे हवालात में, यूं ना जाइएगा हमें छोड़कर, कब तक रहोगे हवालात में, ये कैसा है शासन, ये कैसा प्रशासन, शासक तिखाल में बैठा दुशासन, कोई आके अब तो हमें ये बता दे, अब क्या बचा है मेरे हाथ में, कब तक रहोगे मेरे साथ में, कब तक रहोगे मेरे पास में, जख्म दे गई है मेरी जिंदगानी, दरिंदों ने कैसी बदली कहानी, जख्म दे गई है मेरी जिंदगानी,
दरिंदों ने कैसी बदली कहानी, अकेली हुई मैं किससे अर्जी लगाऊं, अब क्या बचा है मेरे पास में, कब तक रहोगे मेरे साथ में, कब तक रहोगे मेरे पास में। तो कैसा इस तरह से ये एक कविता। और उसके बाद में जब वह पत्नी पहुंचती है, उसकी मैं आपको अंतिम लाइन में देता हूँ, आपको आपको लगेगा कि एक पत्नी एक पति के लिए कितना क्या कर सकती है, उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि आप इसको समझेंगे कि एक पत्नी पति के लिए कितना दे सकती है, वो क्या कर सकती है। वो कहती है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको ला करके देती हूँ, लेकिन जैसा मेरा पति था मुझे वापस लौटा दीजिएगा। अगली लाइनों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप आइएगा। मेरे मामा का भी 30 साल पहले मेरे उसने फर्जी एनकाउंटर दिया था, योगेंद्र धनोज ये बिल्कुल ऐसा करती है, वर्तमान सरकार का मुंह बंद है, वो कुछ नहीं कहना चाहती। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, धनोज साहब आगे चलते हैं। तो किस तरह से कह रही है, अगर चाहिए, अगर आपको लगता है वाकई में सही है तो आपको दर्द जरूर होगा इस चीज का। अगर चाहिए तो रिश्वत मैं दूंगी, पति की खातिर बदन बेच दूंगी, अगर चाहिए तो रिश्वत मैं दूंगी, पति की खातिर बदन बेच दूंगी, गहना रूपा पैसा सब ला दिया, अब क्या बचा है मेरे हाथ में, कब तक रहोगे मेरे साथ में, कब तक रहोगे मेरे पास में, यू ना जाइएगा हमें छोड़कर, कब तक रहोगे हवानाथ में। तो कुछ इस तरह से ये मर्मिक घटना थी जो आपके अनुभव में लगी है। बहुत बहुत निगम साहब, और यकीन मानिए जो आपने एक जो मार्मिक सा दर्द यहाँ पर अपने शब्दों के माध्यम से बयां किया, मैं बीच में एक तरह से रोंगटे खड़े हो गए मैं कह सकता हूँ। और जो आपने संवेदनाओं को जो छूने की कोशिश की है, यकीन मानिए किसी की भी आंखों में वो आंसू ला सकते हैं। और आपकी इस कविता को सुन लेने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि कविता जो है सिर्फ प्रेमिका की जुल्फों की, प्रेमिका के गालों की तारीफ करने ना भर नहीं है, बल्कि कविता के माध्यम से जो आवाम का दर्द है उसको भी बयां किया जा सकता है, उसके दर्द को भी लिखा जा सकता है। तो आपने इस बात को बखूबी बयां किया, और बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने इतनी अच्छी इतनी बेहतरीन कविता प्रस्तुत की, और आपने जो आवाम का दर्द है उस दर्द को अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ बयां किया। तो निगम साहब ये बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। जी मुनेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, जिसकी लेखनी में दम है जो नहीं किसी से कम है, बिखरे हुए लोगों को जोड़ दे वो नाम है निगम। जी बहुत खूब सर, और मुनेंद्र सिंह जी जो है, क्या बात है मुनेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। और वैसे भी मैं अभी बता चुका हूँ, मैंने भी अभी बताया था आपको जी, अगर मुझे यहाँ तक पहुँचने का श्रेय दिया जा सकता है तो है मुनेंद्र जी को दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया था, मैंने ये पहले शुरुआत में बताया सर, क्योंकि मैं तो राग नहीं गाता था, राग तो आज भी सिखा सकता हूँ। तो निगम साहब जो आपको रागनी से लेकर के कविता की तरफ लेकर के आया, जिसने जिसको आपने श्रेय भी अभी इस लाइव वीडियो के पहले आप दे चुके हैं, तो साक्षात वो भी हमारे इस लाइव स्ट्रीम से जुड़ चुके हैं मुनेंद्र जी की जी। तो सर ये तो बहुत ही अच्छी बात रही होगी आपके, बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं इसमें एक नाम वो लेना चाहूँ, क्योंकि ये मुनेंद्र भाई ने जो बेस खड़ा किया है उसको आगे ले जाने का काम जो क्या है, वो आदरणीय परम आदरणीय श्रेय है हमारे अजीज दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं दिनेश प्रधान जी, जो अभी यहाँ पर नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर वो भी आ जाए तो ये मान लीजिएगा कि पूरा सब कुछ ये सार्थक हो जाएगा, क्योंकि मंचों पर ले जाने का जो काम किया वो दिनेश प्रधान जी ने किया है, और यहाँ तक जो लाने का समझाने का या इस प्रेरणा को देने का कार्य किया मुनेंद्र जी ने किया है। मैं दोनों शख्सियत का
तहे दिल से हमेशा हमेशा ऋणी रहूंगा आपके सवालों का जवाब। चलिए हमारे जो अभी हम लोगों को देख रहे हैं वो जरूर उन तक आपकी ये वीडियो को पहुंचा देंगे, मैं यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। तो मनिंदर जी यहाँ पर मौजूद हैं, सुशील कुमार जी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग और भी मौजूद हैं। तो निगम साहब, और भी बहुत सारी चीजें हमने आपकी यूट्यूब के माध्यम से सुनी और मंचों के माध्यम से सुनी, और मंचों के माध्यम से जो आपको प्यार मिला उसका तो खैर बखान नहीं किया जा सकता, वो सबको देखते हैं कितना प्यार आप लोगों को आपको मंच के माध्यम से मिलता है। तो मंच के माध्यम से कई बार आपने महिलाओं पर बहुत सारी कविताएं लिखी और काफी मैंने सुनी भी हैं, और महिलाओं को आप जागरूक करने का काम वो निरंतर करते रहते हैं, वो जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, और समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरह के कवि की, इस तरह के कलमकार की, और इस तरह के एक सामाजिक व्यक्ति की। तो निगम साहब जी, मैं आपसे फिर उसी मुद्दे पर आपको ले करके जाना चाहूंगा, जो महिलाओं पर आपने लिखा वो महिलाओं पर कहां से शुरुआत कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं फिर वो लाइन पर पढ़ लीजिए, दिख रहे हैं लोगों को बाइक चला कर पैर तोड़ लेने का बता दो नाम जरा हमको उस तस्वीर का जिसके लिए नींद में बाइक चलाकर पैर तोड़ लिखा। तो अच्छा, तो यहाँ जो है मनिंदर जी फ्री के ले रहे हैं आप हमारी मनिंदर जी के बारे में। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मेरा जो मेरे साथ हादसा हुआ है वो मुझे बाइक पे सोते हुए हो रहा है मेरे साथ। देखिए सबसे बड़ी विचित्र घटना मेरे साथ हुई है कि मैं बाइक पे सो रहा हूँ, दुनिया को किस तरह नींद नहीं आते, मुझे बाइक पे नींद आ गई थी और मैं खाई में जा गया चलेगा। तो नहीं, पहले मैं मुनिंदर जी की बात पर यहाँ आते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक सही मुद्दा उठा दिया यहाँ पर जो इस लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि हालांकि बहुत सारी बातचीत अभी हम आगे करने वाले हैं, तो पहले आप उन्हीं की बात पर हम लौटते हैं। तो वो कह रहे हैं कि किसकी वो तस्वीर थी जिसके ख्यालों में आप खो गए और इस तरह का ये हादसा जो है वो घटित हुआ। अच्छा, तो चलिए मैं बता देता हूँ, वैसे बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। चलिए अगर बात आज कविता की है तो कविता को कविता के माध्यम से लेकर के चलते हैं। मेरे फिर साहब बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं पिछले समय में 7-8 एक्सीडेंट मेरे हुए हैं तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। और ये सबसे अच्छी बात है कि बार बार पैर तो टूटता है लेकिन ये चेहरा देना सब बच जाता है क्योंकि चेहरा इतना अच्छा नहीं है कि वो खराब हो जाए। अच्छा, और दूसरा एक बात और सुनिए आपके बारे में कि आप बाइक जो है बड़ी स्लो चलाते हैं। सबसे लंबी बाइक मैं चलाता हूँ, बाइक हो सकता बाइक गिराती भी स्लो, उसके बावजूद ही मतलब ऐसे काम हो जाते हैं। कई बार लगता है कि मुझे बाइक जो है नहीं चलानी चाहिए, ऑटो वाले जाते चलाते हैं, मैं बहुत मतलब 40-45 की बाइक चलाता हूँ तो मेरे साथ बड़ी घटनाएं घटी है। एक बार तो ऐसा हुआ 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2013 में 19 मई को एक्सीडेंट हुआ, 2014 में 18 मई को हुआ, 2015 में 19 मई को हुआ, यानी कि 16 में जो 19 मई और 18 मई तो मैं घर से ही नहीं निकला, पता नहीं आपके बारे ऐसा कुछ हो जाए। तो उस समय में ये हापुड़ के पास एक्सीडेंट हुआ है, उससे पहले वाला बिहारपुर के पास हुआ है, और जैसे भी मनिंदर भाई फ्री के ले रहे हैं ठीक वैसे ही कुछ लोगों ने कहा था मुझसे, मैं पढ़ा हुआ था कि एक्सीडेंट हापुड़ में हुआ होगा, मैंने कहा हाँ यार हापुड़ में हुआ था। तो हापुड़ की ये घटना है 2014 की। हापुड़ से आपको जो है प्यार तो भरपूर मिला ही है, एक्सीडेंट भी काफी मिल गया इससे पता चलता है कि लेकर के जनमानस से लेकर के यहाँ की कायनात तक मुझे चाहती है जी बिल्कुल वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि बस ये हमारे सीने से लगा है, तो रोड में मुझे हमेशा सीने से लगा के बता है अपनी आगोश में। अच्छा हुआ ये कि मैं रात के 10:15 बजे हुए थे, मैं बस से उतरा, मेरे से आ रहा था, बस से मैं उतरा, चाहता तो मैं पुल के नीचे से निकल सकता था उसको, लेकिन मैंने पुल के को क्रॉस किया, तो क्रॉस करना चाहता था, उसके सामने से निकलना शुरू किया। अब रात के 10:15 बजे हुए थे, मैंने सोचा इसको पार कर लिया जाए। अब जैसे मैं जा रहा था मैंने क्या देखा कि अभी आगे रास्ते कुछ भी नहीं आ रहा है, राजा रास्ते कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको क्रॉस करना शुरू किया, पार करना शुरू किया। अब आगे देखा मैं आधा रास्ता पार कर चुका था जी। अब इधर से देखा उधर से देखा, एक तरफ कुछ गाड़ियां आ रही थी तो मैंने सोचा जब तक आगे निकल जाएंगी, अब वो आगे तब तक निकल पाती, मैं आधा रास्ता गया। ये मुझे पता नहीं चला कि साहब किसने मुझे टक्कर मारी है, मेरे बैग में लैपटॉप भी रखा हुआ था ना, मेरे कोई चोट लगी है, बस इतना जरूर शेयर कर दो दोस्तों, बिल्कुल शेयर कर दीजिए, हाँ ये मीटर से आने से ठीक है। तो हुआ क्या, मेरा घुटना जमीन में लगा और वह घुटना जमीन में लगने के बाद टूट गया, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है उससे 10-15 दिन पहले मैंने पहला प्लास्टर काटा था क्योंकि वो पैर पहले से टूटा हुआ था नीचे से टूटा हुआ पैर दोबारा टूट गया वहां से। और ये मेरी जो चश्मा है ये एनएफ प्रूफ करके यहाँ पर घुस गई है, आर्मी यहाँ पर निशान है,
तो उस रात मैंने सोचा कि इस घटना को घटना नहीं, इसको हम कहानी बनाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे पता है उस घटना पर आपने कविता लिखी और उस कविता को हालांकि मैं सुन चुका हूं, मगर मैं चाहूंगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम में उस कविता को दोबारा से एक बार फिर से पढ़ें। जी हाँ, मैं उसी कारण में कह रहा था कि मैं आज अगर बात है तो कविता को, मतलब ऐसी बात तो कविता पहला कर। तो दोस्तों निवेदन करता हूँ कि आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, जुड़िएगा मुझसे, और सबसे बड़ी मजे की बात है दुख भरी घटनाओं को हंसी के साथ में सुनाने वाला हूँ, आपको भी हंसी आएगी। उस दिन की बात करते हैं कि समय में बस में था, बस से उतरा। आज कुछ यूं घटी घटना, मैं गाड़ी से सफर कर रहा था, पहुंचकर अपनी मंजिल गाड़ी से उतरा। यादों में खोया था जैसे, चलते चलते सोया था जैसे, सोने की आदत है भी मुझे, चलते चलते सोया था जैसे, घनक बिना पड़ी के ऐसा हो जाएगा, यादों में जालिम इतना खो जाएगा। जाना था सड़क के उस पार, जाना था सड़क के उस पार, कर रहा था सड़क पार करने का इंतजार, देखकर मुंह का एक छोर से चल दिया और दोनों तरफ देखकर सड़क को आधा पार कर दिया। एक सैकान था, सवार था, लगता था जिंदगी से वो भी परेशान था, आया वह तीव्र वेग था, मंद गाड़ी चलाने का जैसे उसे करीब था वो अपनी मौज में, राजाशाही शोक में, गाड़ी से चलते हुए ना देखता पीछे घूमकर चलते चलते उसके निशाने पर मैं आ गया, टक्कर लगी मुझ में, अंधेरा आंखों में छा गया। लोगों ने बताया जब आया मुझे होश था, सड़क के बीचों बीच पड़ा मैं बेहोश था, कुछ लोग मुझे उठा रहे, कुछ आवाज मुझे लगा रहे, कुछ कह रहे अभी जिंदा है, कुछ खुदा का कश्म बता रहे। देखते ही देखते लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया और एक दूसरे से पूछ रहे अरे कैसे क्या हो गया। टूट कर ऐनक मेरी माथे में जा घुस गई और जो टांग उस दिन पहले टूटी थी ना वो दोबारा से टूट गई। उठाकर मुझे वहां से चिकित्सालय पहुंचाया गया, अच्छे अच्छे चिकित्सकों से चेकअप मेरा कराया गया। खोया था जिसकी याद में, दुर्भाग्य लगेगा, खोया था जिसकी याद में, उसने ही नहीं पूछा है, आंसू तेरी याद में, निगम आज भी अधूरा है, निगम आज भी अधूरा। तो ये उसने की बहुत खूबसूरत। अच्छा आपने एक लाइन इसमें लास्ट में जो है वो मुझे लाइन याद रह गई, आपने कहा कि खोया था जिसकी याद में, उसने ही नहीं पूछा। तो क्या मतलब वास्तव में ऐसा हुआ जिसकी याद में, उसने ही नहीं पूछा। देखिए वैसे मैं इस बात को हमेशा बोल देता हूँ, अक्सर मैं बोल देता हूँ कि जब मैं शुरुआत करता हूँ तो चलते चलते सोया था जैसे, खोया था जैसे, वहां पर ये बात मैं हमेशा बोल देता हूँ कि ये सबसे झूठी लाइन है। लेकिन एक बात और माननी पड़ेगी आपको के साथ, आप तो अच्छे खासे एक कुशल कवि हैं, आप भी इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी कवि जब तक नहीं बनता जब तक उसके साथ कुछ ना कुछ घटित ना हो, तो यहाँ कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, और बिल्कुल मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक जो शायर एक जो कवि होता है वो कल्पनाओं में जीता है और कल्पनाओं में रहता है, तो बहुत सारी बातें ऐसा भी नहीं कि सभी बातें उसकी कही हुई सच हो। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे महिलाओं को लेकर के, तो निगम साहब आपकी महिलाओं को लेकर के कविता मैंने सुनी है पहले भी, और तो मैं जानना चाहूंगा कि महिलाओं पर लिखने का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो किस घटना ने आपको प्रेरित किया, कहाँ से वो शुरू हुआ और क्या क्या अभी तक आप जो है लिख चुके हैं। देखिए हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ की आप कल्चर को देख सकते हैं, यहाँ पर आप हर मोड़ पे देखना चाहेंगे वेदनाएं जुड़ी हुई हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, आप ये नहीं पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कौन अपना है कौन पराया है, यहाँ पर मिनटों की सेकंडों में यहाँ गिरगिट की तरह लोग रंग बदलते हैं, आप इस चीज को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए, अगर भारतीय साहित्य की बात की जाए, भारतीय इतिहास की बात की जाए, भारत की वर्तमान स्थिति की बात की जाए, दोस्तों यारों प्यारों और अपनों की बात की जाए, तो आप यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा सकते कौन आपके साथ में कौन आपसे अलग है, ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, उसमें ऐसा भी है। और मैं आपको हवाला दे रहा हूँ इतिहास को, तो मैं इतिहास कर आपको लेकर के जाऊंगा। देखिये महिलाओं को जो ये लिखा है, क्योंकि देखिए महिला है कौन महिला, क्या वो चांद पर रहती हैं या दूसरे अन्य ग्रहों पर रहते हैं, क्या वो हमारे बीच में नहीं रहती हैं, वो उन्हें जगत जननी कहा गया है, अगर ये जग है तो ये माता से है, बहन से है, एक पत्नी से है, एक महिला से है। लेकिन लोगों ने केवल और केवल इसको कहा तक आप समझ सकते हैं, मेरे द्वारा ये कहे गए शब्द बड़े अलग से हो जाएंगे कि मैं नहीं चाहता कि ये कहना, क्योंकि अब तक जो महिला को आपने देखा ये तो कुछ परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह है जिन्होंने हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाया और बताया कि महिलाएं भी अपने आप में बराबर की हिस्सेदार हैं, वरना हमेशा महिलाओं को उन्हें केवल और केवल अपने मनोरंजन के लिए, हपस के लिए और अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए उपयोग में किया गया, ये आप समझ सकते हैं। आपको मैं ले जाऊंगा, ये आपको अगर मैं 6 सदी पीछे लेकर के जाता हूं तो आप पाएंगे बहुत ही बड़े राइटर हुए हैं जिनका भारत में नाम चलता है, तुलसीदास साहब। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं इतने बड़े राइटर होने के बाद में वो कहते हैं
ढोल गंवार पशु सूत्र नारी ये है तारण की अधिकारी। तो आप देख सकते हैं मतलब एक इतना बड़ा एक कवि, इतना बड़ा कवि जिसे जिसके ऊपर पीएचडी की जाती है, वो कहता ढोल गंवार पशु सूत्र नारी ये है तारण की अधिकारी, यानी कि ढोल हो, गंवार हो, पशु हो, सूत्र हो, नारी हो, इन पर जितना डंडा या लाठी से पीटाने जा सके उतना कम है। तो ये सब चीजें आपके सामने होती हैं, ये मैंने आप वेदनाओं को देखा है। और एक व्यक्ति अगर वो वेदनाओं को नहीं समझ सकता है, मतलब एक इंसान इंसान को देख करके दर्द नहीं समझ सकता, तो उसका इंसान होना बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी योनि में हमें जन्म लिया है जो बहुत अच्छे से मूल्यांकन करता है। तो हमने इस चीज को देखा है, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ मेरी माँ के साथ में ऐसा हुआ, मेरी बहन के साथ में ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी वहां तो नहीं घटा, लेकिन हाँ मैंने समाज में देखा है, मैंने रोड पे चलते हुए देखा है, मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा, आप हर रोज देखते होंगे। वह तो फर्क इतना है कि जो देखते हैं वो निगाह चुरा लेते हैं, मैं उस पर रुक करके थोड़ा सा सोच लेता हूँ, बस इतना फर्क है, मंथन कर लेता हूँ। जी हाँ, तो ये कहना है, तो इसलिए देखते हैं। तो अब ये, अब दूसरी बात ये भी है कि एक कवि का धर्म है कि वो सही को अगर सही ना कहे तो उसका लिखना सार्थक नहीं हो सकता, ये आप भली भांति जानते हैं। तो मैं आप कह रहे हैं कि मैं महिला को बिल्कुल, मैं महिला पर बहुत लिखता हूँ, वेदनाओं पर बहुत लिखता हूँ, श्रृंगार का कवि इसलिए जाना जाता हूँ। आपने इसको कहाँ से लिया है, कहाँ से जाना, ये आप जानते हैं, और इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि आप वहीं से कोई एक रचना जो आपने महिलाओं के ऊपर लिखी। हाँ, ये बहुत सारी रचनाएं, तमाम रचनाएं महिलाओं पर हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम बाहर के इतिहास की लेकर के बात चलते हैं तो देखिएगा, आपने देखा होगा महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया, यानी कि उनसे कहा गया कि आप ये नहीं कर सकती हैं, आपको सिंदूर लगाना पड़ेगा, आपको गले में ये डालने पड़ेंगे, क्या होता है वो गले में नकली होता है जो मंगलसूत्र होता है, पैरों में आपको ये पजेब बांधने पड़ेंगे, मतलब ये क्या चीज है, यानी कि महिलाओं को हर तरह से बांध के रखा गया। और सबसे बड़ी बात एक दुर्भाग्य, आपने सुना होगा सती प्रथा के बारे में, आपने सुना होगा सती प्रथा एक ऐसी बीमारी थी, अगर गलती से पति मर जाए, पति हो सकता है मर जाए, किसे अभी एक्सीडेंट मेरा हुआ था, अगर मेरी शादी हुई भाई होती अब सबको पता चलेगा शादी नहीं हुई है मेरी, अगर मेरी शादी अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई, नहीं मेरी शादी नहीं, ये अच्छा है। तो ये काफी अच्छा आपने खुलासा इस लाइफ स्ट्रीम में कर दिया, तो हम ये भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कोई जल्दी से कोई सुंदर सुशील सी कोई कन्या उनके लिए ढूंढ करके रखिए। बहुत सारे साथी हमारे हैं, आदरणीय सुशील कुमार जी मुरादाबाद से हैं, और मुनिंदर सिंह जी हैं जो आपको कविता की दुनिया में लेकर के आए, तो ये काम भी आपका वो जल्दी ही करा दे देंगे, ऐसी आशा करता हूँ। तो मुनिंदर जी अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दें, और अभी निगम जी की शादी नहीं हुई है, थोड़ा सा उनका शादी वादी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। मैं बढ़ता हूँ, अगर ये इतना आसान है तो शाम को किसी दुकान चले आएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, अगर वो ऐसा हो गया होता तो वहाँ पर जब पति की डेथ होती थी तो पत्नी को पहले गंजा किया जाता, फिर उसे भांग भतूरे पिलाए जाते थे, फिर उसे पति की साथ उसकी पति की चिता पर उसे जिंदा जला दिया जाता था, उसे कहते थे सती प्रथा। अब ये बताइए, अगर कोई पति टीबी से मर जाता है, जुखाम से मर जाता है, या फिर वो एक्सीडेंट से मर जाता है, या वो रणभूमि में लड़ते हुए मर जाता है, तो उसे पत्नी की ऐसी क्या गलती है कि उसकी वजह से उसे उसके साथ में जिंदा जलना पड़ रहा। तो यहाँ पर ये वेदना मैंने देखी है, तो मैं इस बात को कह रहा था कि अगर यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, विवेकानंद जैसे महापुरुष नहीं होते, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष यहाँ पर नहीं होते, तो आज भी महिलाएं यूं की यूं ही दबी रहती, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने उस पर लिखा है, मैं आपको चार लाइनें यहाँ से दूंगा, अभी आशा करता हूँ कि आपको ये जरूरत अच्छी लगेगी, और मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा जितने यहाँ पर लोग हैं, कम से कम लाइक आपका, मुझे कम से कम ये तो पता चलता है कि हाँ कम से कम आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको बिल्कुल सही। वैसे एक बात है जिन साहब, मैं जिन जिन मंचों पर गया हूँ, मैं वहाँ पे कई बार लोग क्या कहते ताली बजाइए, लेकिन जब मेरा नंबर आता है ना तो लोग ताली बजानी भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा हमने, तो मैं कहता वही ताली बजा दो तो लगता उसके बाद ताली बजा, क्योंकि वो इतने मायूस से हो जाते, फिर मुझे लगता कि यार हो सकता है मुझे एक हास्य कवि होना चाहिए था ताली बजवाने के लिए, या फिर मुझे वीरता कवि होना चाहिए, जो वेदनाओं को लिखता है, जो आवाम के दर्द को लिखता हो, वो इंसान उसके लिखे हुए पर ताली बजाने कई बार भूल ही जाते हैं। ये ऐसा ना देखें, तो मैं यहाँ भी ये देख रहा हूँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से मैं रखता हूँ चाह रहे हैं ये सती प्रथा, बिल्कुल स्वागत। कभी थी माता कभी थी दुलारी, कभी थी आंगन में खिलती फुलवारी,
कभी थी माता कभी थी दुलारी, कभी थी आंगन में खिलती फुलवारी। धर्म भी ऐसा नंगा करा दे, माँ बहन बेटी को जिंदा जला दे। वहारी नारी क्यों सती थी नारी, बतारी नारी क्यों सती थी नारी। कैसा विधान मनु ने बनाया, धर्म के दलालों ने लागू कराया। सियासत ने कैसी बदली कहानी, माँ बहन बेटी लूटी जवानी। अगर मर जाए पति तो जिंदा जला दे, भांग पिला क्यों चिता में जला दे। क्यों पड़ता था ऐसा जुलुम सहन नारी, क्यों पड़ता था ऐसा जुलुम सहन नारी। कभी थी माता कभी थी दुलारी, कभी थी आंगन में खिलती फुलवारी। कोई तरह से ये तो आप देख सकते हैं सती पत्ता के। बिल्कुल सर, वो जो दर्द है, वो जो पीड़ा उन्होंने, जो दर्द जो पीड़ा उन्होंने सही उसको महसूस कर पाना, वो बड़ा मुश्किल है। और सच में यदि कोई हाथ में यदि कोई ज्वलनशील पदार्थ यदि हमारे लग जाता है, कई बार हम माचिस से यदि कोई मोमबत्ती या कुछ जला रहे होते हैं तो हमारे हाथ में वो छू जाती है तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी असहनीय पीड़ा हमको होती है। मगर यदि किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाए तो उसको कितनी पीड़ा कितना दर्द होता होगा उसको महसूस कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, और शब्दों में बयां कर पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आपने उन महिलाओं के दर्द को, उनकी संवेदनाओं को अपनी कविता में परोया, तो बहुत खूब सर। और बातचीत का जो ये सिलसिला है इसको जारी रखेंगे, आगे बढ़ा करके लेकर के चलेंगे। तो और कोई कविता आपकी, कोई और कुछ पंक्तियां जो आपको आज की स्लाइड स्क्रीन में, ये तो बस ये सब होना देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पर्सनली तो हम आपसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, जो कि आप अभी वर्तमान समय में ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने बता भी दी। और कुछ हमारे साथियों की तरफ से यदि कोई डिमांड होती है, यदि कोई डिमांड होती है तो हम उसको भी पूरा करना चाहेंगे। और जी जी जी, तो कोरोना पर आपने कुछ लिखा था और वो पहले भी मैंने सुन लिया है, सुन चुका हूँ, काफी अच्छा हो रहा था। और कोरोना के बारे में जो विषय में लिखा है, इसमें लिखने के लिए तो बहुत कुछ है कोरोना के लिए, क्योंकि कुछ लोगों से पूछे कोरोना क्या है भाई, तो अभी कुछ आप अगर मनबुद्धि लोगों से पूछेंगे तो बता सकता है कि हो सकता है कि गलती सही ना कह दे कि ये आने वाला त्योहार है, ये बहुत बड़ा त्योहार है, छुट्टी चलनी है कोरोना के लिए। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस भारत वर्ष का, जो दुर्भाग्य है आप इसको कहां तक लेकर जा सकते हैं, कहां तक समझ सकते हैं। आज मैं यहां अपने पर्सनल पे बैठा हूं तो मैं बोलता हूं, लेकिन मैं ज्यादा पब्लिक में नहीं बोलता, लेकिन आज एक भूमिका में हूं। आप इसे कह सकते हैं कि यहां पर जो निगम है वो विपक्ष में बोलते हैं, और ये सच्चाई भी है कि मैं विपक्ष का भी हूं, उसमें आप भली भांति काम ले रही है। अरे विपक्ष में आप ये नहीं कह सकते कि आप कि मैं मोदी सरकार का विपक्ष कर रही हूं, ऐसा नहीं है। विपक्ष में किसी मैं सरकार के विपक्ष का रहने वाला कर रही हूं, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार में भाजपा सरकार हो, यूपी में भाजपा सरकार हो, राजस्थान की आपकी कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो किसी भी जगह की, मैं विपक्ष का कभी बना रहना चाहता हूं। कारण है उसका कि अगर विपक्ष का कभी कभी ही मर जाए तो या तो वहां की राजनीति खत्म हो जाती है या फिर वहां की कविता खत्म हो जाती है। और ये साहित्यकार और सिनेमा को जो एक तरह से समाज का आईना बताया जाता है, और साहित्यकार का कर्तव्य बनता है कि वो जो समाज में छुपी हुई बुराइयां हैं उनको निष्पक्ष रह करके और सीधे तरीके से निडर होकर के समाज के सामने लाकर। अब यही मैं कहना चाहता हूं, अब देखिएगा यहाँ पर एक भारत के इतने मतलब विश्व के दूसरे नंबर के पीएम हैं, मैं उनमें बहुत सारा कुछ बोलने वाला हूँ क्योंकि मुझे अच्छा खासा उनका विरोधी बताया जाता है, तो यहाँ पे आज चलो हो जाता है थोड़ा सा। वैसे भी यहाँ पर अमृता जी कह रही है सर जी पीएम पर कुछ सुना दीजिए, बिल्कुल आप देखिएगा पीएम जी के लिए बहुत अच्छा मेरे पास मसाला है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कोरोना की है, अब कोरोना ने यहाँ पर क्या हाल मचाया है। जब यहाँ पर केसेस नहीं थे
हजारों में किसी नहीं थे, तो यहाँ पर ताली बजवाई गई है, थाली बजवाई गई है, ठीक है। उसके बाद में दीपक जलाए गए हैं। कुछ लोगों का, विद्वानों का तर्क था कि निगम जी जो दीपक जलाए गए हैं ना, उनसे एनर्जी निकल रही है, और यानी कि एक दीपक से इतनी एनर्जी निकली, दूसरे से इतनी निकली, उनको आपने काउंट किया तो इतने लाख कैलोरी एनर्जी हो गई है, और वो सारा कारोना मर जाएगा। यानी कि हमारे सूर्य देव बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, अगर उनकी ही कब काम नहीं कर रही है, इनके दीपक ही काम कर रहे हैं, तो इन्होंने इस तरह से यहाँ पर रखा है। तो मैं दोस्तों आपके बीच में कोरोना से जुड़ी हुई पोएम लेकर के चलता हूँ, तो मैं किस तरह से आपके सामने रखने वाला हूँ याद कीजिएगा, और मैं पीएम साहब के लिए भी जरूर सुनाऊंगा। जो रूह तक ना पहुंचे वो शायद मत होना, मुसीबतों के सामने कभी कायर मत होना, देखेंगे हर सागर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मनोनिर्जात का। तो देखिये यहाँ पर आपके लिए मैं पढ़ता हूँ किस तरह से मैं कोरोना के लिए लेकर के आया हूँ। कोरोना से आप जोड़ सकते हैं इस चीज को, देखिएगा। कोरोना ये तूने क्या कर दिया, सियासत हवाले हमें कर दिया। कोरोना ये तूने क्या कर दिया, सियासत हवाले हमें कर दिया। राजा ने कुछ यूं कहानी घड़ी, राजा ने कुछ यूं कहानी घड़ी। तालियों के हवाले वतन कर दिया, राजा ने कुछ यूं कहानी घड़ी। तालियों के हवाले वतन कर दिया। आपने देखा होगा उस बीच में कि इतनी पब्लिक जो पैदल चली है फुटपाथों पर, महीनों पैदल चली है, और आज के समय में वर्तमान प्रधानमंत्री साहब हमारे कह रहे हैं हमने 150 देशों की मदद की है, जिन्होंने अपने ही आवाम को अपने घर तक जाने से परेशान कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने 150 देशों की मदद की है, ये कैसे जुमलेबाजी है। तो मैं वहां से कहता हूँ, जो पैदल चले वो मुसाफिर कहाँ है, जन्म जात समझे वो कादिर। क्या कह रहे हैं मुनि सचिन भाई, भारत में लेकर जाओ निगम जी। महेंद्र जी भाभी जब आएंगी, जब आपकी दया दृष बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ यहाँ पर ये भावनाओं की कदर करते हुए कि चाहते हैं कुछ आस्तिक हो जाए। अभी हम उधर बढ़ते हैं। जो पैदल चले वो मुसाफिर कहाँ है, जन्म जात समझे वो कादिर कहाँ है। फुटपाथ पर मर गए चलते चलते, बदनसीबों से पूछो वो जहांगीर कहाँ है। जले हैं दिए और चराग बुझे हैं, जनाजों से लिपटे वो दाग बुरे हैं। समझ में न आया ये कैसी दिवाली, जो गाया न जाए वो राग बुरे हैं। समझ में न आया ये कैसी दिवाली, जो गाया न जाए वो राग बुरे हैं। तो यहाँ पर ये कोरोना से था, पीड़ितों के लिए था। एक बात अभी यहाँ पर मुरिंदर जी ने कही, और मुरिंदर जी मुझे लग रहा है वो कहना चाह रहे हैं कि आप, जैसे कि आपने बताया और पता भी है हमें कि आप सौंदर्य के कवि हैं, तो कुछ वो मोहब्बत पर शायद आपसे सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं मोहब्बत पे सुनाऊंगा थोड़ा सा। बस अभी यहाँ अमिता जी कह रही थी कि सब पीएम पे जरूर सुने, तो पीएम पे थोड़ा सा सुना करके फिर मोहब्बत की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले पीएम फिर मोहब्बत। नहीं, सुन, पीएम के चक्कर में आप मोहब्बत को मत बिगाड़ो। नहीं, मोहब्बत पहले है, पीएम साहब भी मोहब्बत में आए हैं, लेकिन उन्होंने मोहब्बत को बिगाड़ दिया है। अगर वो मोहब्बत अपनी छोड़ के, चलो हम आगे। चलिए, मैं पीएम साहब को हवाला देते हुए चाले में रखूंगा, उसके बाद में आपकी तरफ आ जाता हूँ। पीएम साहब कह रहे हैं देश के दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री कहता है मेरी जान को खतरा है। अच्छा, तो वो जान कौन है? वो कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। कमाल की बात है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री जिस पर 1.5 करोड़ रुपए पर डे की सिक्योरिटी खर्च होती है, वो बंदा कहता है कि हमारी जान को खतरा है। तो भाई साहब, अगर आपकी जान को खतरा है तो फिर हमारा क्या होगा, हमें तो कोई मत छेड़ेगा।
साकर वेला, ठीक है, तो मैं वहां पर पढ़ता हूँ। तो कैसे कहते हैं जरा, मैं उनसे चार लाइन आपको देता हूँ तो सुनिएगा। जी स्वागत है सर। यूं लफ़्ज़ो में सौदा ना कीजिए, किए हैं जो वादे पूरा कीजिए। यूं लफ़्ज़ो में सौदा ना कीजिए, किए हैं जो वादे पूरा कीजिए। है मुल्क के शासक को जान का खतरा, फिर हम क्या करेंगे बता दीजिए। है मुल्क के शासक को जान का खतरा, फिर हम क्या करेंगे बता दीजिए। आपने देखा होगा, अभी एक दिन मैं जा रहा था, कई रिक्शा बैठा हुआ, तो मैं देखा एक बाबा कचहरे से निकल के आकर बोलते हैं कि रिश्वत का बाजार गर्म हो गया है। तो वहां पर देखा है कितना दर्द है। वो तो कहता है कि यहाँ पर रिश्वत के लिए बस यहाँ पर मारे मारे लोग फिर रहे हैं, यहाँ साहब करोड़ों का कोर्ट बैठे और कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, झोला उठा करके चला जाऊंगा। ऐसा फकीर हम कितने कितने बड़े बेवकूफ हो गए हैं, हम इतने पढ़े लिखे बेवकूफ हो गए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब पूरे देश का प्रधानमंत्री दूसरे नंबर का कहता है मैं फकीर हूँ। कितना बड़ा झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है। और दूसरी चीज, एक फकीर झोला कैसे उठा के जा सकता है, करोड़ों का कोर्ट कहां से पह सकता है। अगर इतना फकीरों के पास में इतना पैसा है तो फिर अच्छे लोगों के पास में कितना पैसा होगा। तो मैं बढ़ता हूँ। रिश्वत का बाजा गरम हो गया, न दे दे के रिश्वत नरम हो गया। रिश्वत का बाजा गरम हो गया, न दे दे के रिश्वत नरम हो गया। अरे शासक ने कुछ यूं कहानी घड़ी, रिश्वत का बाजा गरम हो गया, न दे दे के रिश्वत नरम हो गया। अरे शासक ने पहने करोड़ों के कपड़े, यू जनता का जीना बेदम हो गया। आपने देखा, शाहीन बाग दिल्ली की बात करता हूं, वहां पर आप कह सकते हैं कि वहां पर महिलाएं हैं, लेकिन उसे एक विशेष वर्ग से जोड़कर रख दिया गया, किसके लिए, हिंदू मुस्लिम वर्ग के। तो मैं वहां पर कहता हूं, मैं वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं देखता हूं कौन है, मैं देखता हूं कि वो महिलाएं हैं, महिलाएं हैं, वो वहां पर बैठी हुई हैं, वो अपने अधिकारों की बात करती हैं, छोटे छोटे बच्चे गोद में हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं, खाने के लिए उन्हें पैसा नहीं मिलता है, एक बच्चा वहीं पर गोद में मर भी जाता है, आप उसको आपने देखा भी होगा। वो महिलाएं, वो माता बहनें अपने घर को छोड़े बैठी हुई हैं, और हम जैसे अपने घरों में बैठे हुए बहुत मस्ती से मस्तियां कर रहे हैं, उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। तो मैं किस तरह से कहता हूं, फिजारो मारो रही है बहन, रो रही है मेरे जहां की फिजारो रही है, मारो रही है बहन, रो रही है मेरे जहां की फिजारो रही है। क्या अंधा गूंगा बहरा है शासक, ये हिंदू मुस्लिम क्या हो रही है। क्या अंधा गूंगा बहरा है शासक, ये हिंदू मुस्लिम क्या हो रही है। तो कुछ इस तरह वर्तमान स्थिति भारत की है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, जो वर्तमान स्थिति भारत देश की है उस पर तो कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, और यदि कहा जाए तो उनको एक अलग ही कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया जाता है, उनको देशद्रोही कह दिया जाता है, उनको नक्सलवाद भी कहा जाता है। और वर्तमान परिस्थितियों से हम लोग बड़ी अच्छे से वाकिफ हैं, और एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम भारत देश का डॉक्टर कफील खान को आपको पता ही होगा, और कितने एक मानवता के लिए उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया, फ्री में कैंप लगा ला करके राहत पहुंचाने का उन्होंने काम किया, मगर वर्तमान समय में वो जेल के अंदर हैं। और जो लोग भड़काऊ और अंदर भी क्यों हैं, कहा जा किस जुर्म में हैं,
जुर्म ये था कि उनको कहा गया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। वास्तव में भड़काऊ भाषण जिन लोगों ने दिए, जो लोग सड़कों पर आकर के ये कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने बुलंदशहर में सुबोध जी जो एक SI रहे हैं, इंस्पेक्टर थे, उनको गोली मारी, उनको बड़े अच्छे से बड़े ही सम्मान के साथ में जेल से निकाल करके लेकर के आए, उनका बड़े अच्छे से सम्मान किया गया। उन जैसे लोगों को खुले हम वो घूम रहे हैं, और जो एक डॉक्टर कफील जैसे बड़े ही अच्छे बड़े ही देशभक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनको जेल के अंदर रखा गया है, तो बड़ा ही मामला खराब है, कुछ भी कहा जाना बड़ा ही मुश्किल है, और एक तरह से डर का माहौल है, एक तरह से दहशत का माहौल है, बड़ी ही दहशत गर्दी है। तो सर आगे बढ़ते हैं, और मनिंदर सिंह जी ने जैसा कहा कि उनको भाभी जी की ओर लेकर के जाइएगा, तो सीरियस बातें भी करते रहेंगे, बीच बीच में हंसी मजाक भी होती रहेगी, और तो ये सीधा सीधा कुछ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मनिंदर जी और आप दोनों जुड़ गए हैं, मुझे लग रहा है कि आपस में दोनों ने सभी कर लिया, कोई बात नहीं है, अच्छा लगा। चलेगा, देखते हैं आपके प्यार को चाहूंगा, अभी कुछ दिन पुरानी रचना, मतलब अभी की कुछ एकदम बिल्कुल नया नया आपको मैं देने वाला हूँ यहाँ पर। मेरे हुजरे में आकर के पूछो कलंदर तेरा हाल क्या है, मेरे हुजरे में आकर के पूछो कलंदर तेरा हाल क्या है, आंखों से कुछ ना कहो तुम बताओ मेरा ख्याल क्या है, कितनी बनी दूरियां हैं, कितनी ये मजबूरियां हैं, कितनी बनी दूरियां हैं, कितनी ये नजदीकियां हैं, कोई आके हमको बताए कैसी ये मजबूरियां हैं, मेरी बाहों में आकर के पूछो सिकंदर तेरा हाल क्या है, मेरे गुजरे में आकर के पूछो कलंदर तेरा हाल क्या है, तुमने न जाना है हमको, हमने न जाना है तुमको, तुमने न जाना है हमको, हमने न जाना है तुमको, ताक पर रखे जो खत है देवी न पाया मैं तुमको, मेरी आंखों से आकर के पूछो समंदर तेरा हाल क्या है, मेरे गुजरे में आकर के पूछो कलंदर तेरा हाल क्या है, मेरे गुजरे में आकर के पूछो तेरा हाल क्या है। बहुत सुंदर सर, और इस कविता रूपी गीत में एक शब्द का प्रयोग हुआ हुजरे में, तो हुजरा मतलब होता है एक झोंपड़ी जिसको कहते हैं, ये मतलब एक हुजरे, हुजरे का मतलब है ये हुजरा कलंदर आपने यहाँ पर सुना था ऐसा, तो हुजरे का मतलब होता है जो कलंदर पहले कलंदर को क्लियर करें तो हुजरा अपना क्लियर हो जाएगा, कलंदर का मतलब होता है सूफी संत या साधु, और जिसमें रहता है सूफी संत जिसमें रहता है उसे कहते हैं कुटी, और कुटी को यहाँ पर कहा गया हुजरा, ये उर्दू अरबी फारसी का शब्द है, शब्दों में झोंपड़ी भी कहा, हाँ झोंपड़ी से कह सकते हैं। और राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो, आसमां लाए हो जमीन पर, जमीन पर रख दो, तो बड़ा ही अच्छा शेर है उनका। तो मनिंदर जी आप आपकी जो फरमाइश थी, अब आपकी जो ख्वाहिश थी वो मेरे ख्याल से पूरी हो गई है, तो और इससे और बताइए और क्या सुनना चाहेंगे आप, सुनाने के लिए आपको बैठे हैं और निगम साहब को पकड़ करके बैठा दिया है आज हमने, और आपसे भी कभी ना कभी इस तरह की चर्चा जल्दी होगी ऐसी मैं आशा करता हूं, और वैसे हम प्लानिंग में है कि मीट ऐप पर कोई एक ऑनलाइन मुशायरा ऑनलाइन कवि सम्मेलन टाइप का जल्दी ही आयोजन कराएंगे, तो उसमें
आपको परेशानी दी जाएगी। तो सर आगे चलते हैं, मैं कुछ लाइन रखूंगा और चलते हैं, ये तो सिलसिला चलता रहेगा, ये तो बहुत बहुत कुछ है अपने पास में। ठीक है, तो हालांकि हाँ बोलिया नित्य क्लास के जो वो नित्य क्लास के जो सुनाई थी, नित्य में कौन सुनाई थी मैंने, मैं सुनाई थी। अच्छा अच्छा हाँ, उसको देखते हैं, तो उसको अभी सुनाते हैं, आप चर्चा में रखिएगा थोड़ा सा जी। मुनेंद्र जी, अब आपकी जो ख्वाहिश है, जो आपकी फरमाइश थी वो पूरी हुई है, और कोई भी फरमाइश हो तो बेझिझक होकर के दिल खोल करके आज बता दीजिए। आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी फरमाइशें पूरी होने वाली हैं इस लाइव स्ट्रीम। चलिए मैं अब पूरी आज की बारी सुना के देता हूँ मेरे सामने, आगे मैंने निकाल लिया इसे। ठीक है, विशेष रूप से मुनिंद्र जी की फरमाइश पर ये फिर से एक और एक जी आप ही के लिए है। चलिए ये सोच लीजिएगा कि सब मेरे हैं, भावना में मैं आपको रखता हूँ, ये आपकी भावना है। मुनिंद्र जी है तो इस वक्त अगर आप सुन रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सुन रहे हैं, स्वागत करिए एक बार, मेरी ख्वाहिश पूरी हो ना हो, लग रहा है डेटा पूरा हो लिया आपका भी और हमारा डेटा अनलिमिटेड है। आप अपने डेटा को देखिए, आप अपने को देखिए, हमारा लिमिटेड है। तो शुरू करते हैं अगली कड़ी का स्वागत। डॉक्टर साहब ने कहा तो शुरुआत करते हैं, ये बीच में आ गया, थोड़ा सा मैंने इसे ले लिया है और ये मैं लगा दिया सामने। ठीक है, लीजिए, बहुत दिनों के बाद मैं इसके ऊपर रहा, क्योंकि जब से लिखा है दो चार दफा ही पढ़ा होगा। इसे आगे चलते हैं, दसवीं क्लास वाली क्या बात है, दसवीं क्लास वाली सुना, ये मतलब बचपन में लेकर जाना चाह रहे हैं, ये बचपन की तरफ ले जाना चाहते, क्या बात है नंद जी, आप तो बचपन में ले गए। देखिए, लिखा जिंदगी भर तेरा नाम दिल पर, लिखा जिंदगी भर तेरा नाम दिल पर, तूने हकीकत को जाना नहीं, क्यों तन्हाइयों में कटती है रातें, क्यों तन्हाइयों में कटती है रातें, आकर के तूने ये जाना नहीं, तेरी बेरुखी लिखूं दास्ता मैं, तेरे सिवा किसका दूं वास्ता मैं, तेरी बेरुखी की लिखूं दास्ता मैं, तेरे सिवा किसका दूं वास्ता मैं, बेगानों सी हालत बनी है मेरी, बेगानों सी हालत बनी है मेरी, कैसे तेरे जिगर का बनूं सास्ता मैं, बहुत मिल गई है गमों की बरातें, बहुत मिल गई है गमों की बरातें, अब जिंदगी से कोई चाहना नहीं, क्यों तन्हाइयों में कटती है रातें, आकर के तूने ये जाना नहीं, न तुम हो अकेले न हम हैं अकेले, दो बैठ में न तुम हो अकेले न हम हैं अकेले, न हम हैं अकेले न तुम हो अकेले, दिए धोके तुमने जरूरत से ज्यादा, दिए धोके तुमने जरूरत से ज्यादा, तू ही बता हम कब तक है झेले, बची हो निगम दिल में हसरत कोई, खुदा की कसम अब तुम छुपाना नहीं, क्यों तन्हाइयों में कटती है रातें, आकर के तुमने ये जाना नहीं, लिखा जिंदगी भर तेरा नाम दिल पर, तूने हकीकत को जाना नहीं।
जो तन्हाइयों में कटती है राते, आकर के तुमने ये जाना नहीं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने हमारे इस लाइव स्ट्रीम के लिए अपना जो बेशकीमती वक्त है वो निकाल करके आप हाजिर हुए। आपने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और जो बहुत ही बेशकीमती चीजें थी, जो कविताएं थी, बहुत बहुत सुंदर जो कविताएं थी वो हमारे बीच में रखी। तो बस एक दो सवालों के बाद में हम इस लाइव स्ट्रीम का यहीं पर समापन कर देंगे। तो कुछ दो चार सवाल हम आप लोग आपसे सबसे पूछना चाहेंगे कि एक तो वर्तमान समय में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं लॉकडाउन चल रहा है और आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि मैं पिछले काफी वर्षों से ये जो लॉकडाउन है वो कैसा जा रहा है वो मैं। हाँ जी, ये लॉकडाउन देखिए लोगों का पता नहीं कैसे जा रहा, बड़े परेशान है, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा, लेकिन मेरा खुद ना अच्छा खासा कट जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। और वैसे भी एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है इस समय आकर के। मैं पिछले काफी समय से पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग में पढ़ाता रहा हूँ, अपने कोचिंग के साथ रहे हैं, लेकिन कोचिंग इस समय बंद हो चुके हैं, आप इस बात को वाली बात जानते हैं। इस समय वर्तमान जो स्थिति है वो ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है सब जगह, और यहाँ पर ऑनलाइन क्लासों में मैं आजकल क्लास करा रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। मैं नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर के 11 बजे क्लास आती है, वहाँ पर आप उससे जुड़ सकते हैं। और अभी अभी जस्ट हाल ही में अन अकेडमी भारत का नंबर वन प्लेटफॉर्म है, उस पर जाकर के भी मैं मेरी क्लास आने लगी है। अगर साथ ही मुझसे जुड़ना चाहते हैं या हमसे, मतलब मुझसे या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो सचिन कुमार निगम लिख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आप लिंक, आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप गूगल पे भी डालते हैं सचिन कुमार निगम तो आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं निवेदन करूंगा ये घर बैठे आप फ्री पढ़ाई कर सकते हैं और हमसे घर बैठे जुड़ सकते हैं, क्योंकि माहौल है आपके सामने, आज एंड्रॉइड फोन बने हुए हैं, आपको अच्छा खासा डाटा मिलता है। तो मैं यही कहूंगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष जाओ, संघर्ष करो। जी हाँ, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं कहा। बाबा साहब ने एक बात और कही है जिसको लोग आप जिसको छुपा जाते हैं। बाबा साहब ने ये कहा, शिक्षित बनो, संगत रहो, संघर्ष करो, और उसके साथ साथ ये भी कहा, शिक्षित बनो, संगत रहो, संघर्ष करो, और शिक्षित बनो, खुद तो बनो ही बनो, अपने समाज को भी शिक्षित बनाइए, अपने आसपास वालों को भी शिक्षित बनाइए। आप जितने लोगों को शिक्षित बना सकते हैं उतना आप अच्छा कीजिएगा, तभी इस देश से अंधकार निकल सकता है, पतनवाद निकल सकता है, वरना आप की स्थिति पशुओं से ही बदतर रहने वाली है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा और बस यही निवेदन करूंगा कि आप जहाँ भी हैं सेफ रहें, अपने घर पर अच्छे से रहें, और अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सचिन कुमार निगम के नाम से, गूगल पर, यूट्यूब पर आप देख करके जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल सकता है। और मैं आज के लिए इस महत्वपूर्ण दिन के लिए विशेष साधुवाद करना चाहूंगा दिल की गहराइयों से केन साहब का, कि इन्होंने जितना यहाँ पर आज लाज ला करके जो काम किया है, बातों बातों में यहाँ पर हम आ गए, और उसका जो सेल जाता है केन साहब को जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन केन जी। और मैं चाहूंगा कि एक शायरी मैं अभी आपको लास्ट में लेके जाऊंगा, लेकिन अभी कुछ सोच रहे हो कि क्या केन साहब क्या है, तो मैं ये चाहूंगा कि एक दो पंक्ति आपकी तरफ से भी हो जाए तो मुझे बात लगेगी। बिल्कुल सर, सुना देंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पर मनिंदर सिंह जो है बड़ी फॉर्म में है इस समय, बड़े देख रही थी आप, तुम जो अपनी हंसी को पीछे, हंसी के पीछे कहानी छुपा बैठे हो, दर्द वही है या नहीं लगाए बैठे, क्या बात है, महफिल भी रोएगी जनाजा भी रोएगा आपके लिए, महफिल भी रोएगी जनाजा भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। बहुत सुंदर, बहुत खूब, इतना प्यार बखेर दूंगा मैं जमाने में निगम, इतना प्यार बिखेर दूंगा जमाने में निगम, मेरी मौत पर आकर मेरा कातिल भी रोएगा, मेरा कातिल भी रोएगा। तो बेशक आप जो कहें ठीक है, लेकिन ये हंसी के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैं निवेदन करता हूँ इन साथ से कि आप दो चार आप ही थोड़ा सा यहाँ पर जुड़िएगा और बताइएगा। जी बहुत सुंदर, और सबसे पहली बात तो आप जी जी जी
बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपने बताया कि जो आप लाइव क्लासेस दे रहे हैं, जहां पर हमें पता है जो कोचिंग सेंटर्स के माध्यम से एक तरह से काफी चार्जेस वो करते हैं ऑफलाइन में, तो आपने बताया कि वो सारा कुछ फ्री आपकी तरफ से चल रहा है। हाँ वो सब फ्री है, उसमें कुछ तो नहीं है। जो लोग जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा हो, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, उनसे खासतौर पर बोलना चाहूंगा कि YouTube के ऊपर नित्या क्लासेस नाम से YouTube चैनल है, जहां पर आदरणीय सचिन कुमार निगम जी बड़े ही अच्छे से तैयारी कराते हैं। तो आप जो भी तैयारी आप अभी रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में कर रहे हो, वो जाकर के एक बार जरूर उस चैनल को विजिट करें, उस पर टेलीग्राम देखें। से जुड़ सकते हैं जी सचिन कुमार निगम से, और उज्जवल दृष्टि चैनल से आप जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और आपको आराम से वहां से मिल सकते हैं। मेरे नंबर पर आप 9917421293 पर हाई लिख करके भेज सकते हैं, वहां से आपको लिख मिल सकते हैं। तो आप जो पढ़ने वाले छात्र हैं समाज में सभी, आप सभी जुड़ जाइएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका समय अच्छा होता चला जाए चलेगा के साथ आपका स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया सर, और बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, और मैं तथागत बुद्ध से और तमाम महापुरुषों से मेरा यही मेरी कामना है कि यह जो कार्य है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे, दिन प्रतिदिन आपको एक नया आयाम, एक नया मुकाम मिलता रहे। और जो लोग इस लाइव स्ट्रीम से जुड़े, आदरणीय मुनिंदर जी हैं और अनु तिवारी जी हैं और मुरादाबाद से आदरणीय सुशील कुमार जी हमारे साथ में जुड़े, उन सबका भी बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी कैन साहब स्वागत है आपका। जी चार पंक्तियां मैं सुना देता हूँ, हालांकि मेरा मन नहीं था सुनने का, क्योंकि हमने तो निगम साहब जी को सुनने के लिए यहाँ पर इस लाइव स्ट्रीम को किया था। अच्छा अश्विनी आजाद जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। और चार पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूँ, अभी एक बहुत ही बेहद हृदय को झकझोर देने वाली घटना जो है वो मध्य प्रदेश में घटित हुई, और एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जहां पर किसानों को, जो हमारे भारत देश के अन्नदाता हैं, उनको जहर खाने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनकी जो जमीनें हैं उनको छीना गया, और उन पर उनके साथ में ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी गई कि उन्हें जहर खाने की नौबत आ गई, और उन दोनों जो एक विवाहिता थी और एक पुरुष था, उन लोगों ने जहर खा करके वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, और छोटे छोटे से मासूम से दो बच्चे थे, जो बच्चे अपने माता पिता को जो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े हुए थे उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चार पंक्तियां मैं रखता हूं इस सरकार से, एक सीधी सीधी शायद पहुंचे वहां तक, तो मैं चार पंक्तियां मेरी ये थी कि इस मुल्क को दहशतगर्दी का बाजार बनाकर क्या पाया, क्या बात है, मध्य प्रदेश की उस घटना को याद करिए, और मेरी चार पंक्तियां संभालिए कल। इस मुल्क को दहशतगर्दी का बाजार बनाकर क्या पाया, मजलूमों की टूटी फूटी झोपड़ियां जलाकर क्या पाया, निचले तबके से हम आते क्या यही कसूर हमारा है, निचले तबके से हम आते क्या यही कसूर हमारा है, हमको इतना बताओ सरकार हमें मार कर क्या पाया, बस इतना बता दो सरकार हमें मार कर क्या पाया। क्या बात है, क्या बात, तो बहुत बढ़िया ये बहुत जो बढ़िया एक बहुत बढ़िया। दर्द था, और दर्द को जो आपने मुनीश्वर जी वो हंसी में अभी तब्दील कर देख क्या दिया, कह रहे हैं मुनीश्वर जी, कह रहे आप कह हैं रहे कि आज हमारे सामने दो दो सचिन प्यारे हैं, बच के रहना जवान लड़कियां दोनों ही कुंवारे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आप आपका प्यार है, खैर आप कुछ भी कह सकते हैं, और हमारे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे ख्याल से आपके भी बड़े ही, हाँ नहीं ठोकर अच्छा आपके छोटे हैं तो लगी मेरे बड़े हैं, आप निगम जी के छोटे हैं तो आपके लिए लेकिन हाँ छोटे हैं, सारी सुधा है, पिता भी हैं। अच्छा सारे सुधा तो इतने सारे मिलते बात है बार बार कि ऐसा होना चाहिए। जी जी हाँ। तो चलिए महेंद्र जी, ये आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम जो दो कुंवारे हैं उनमें से कम से कम इस साल में कम से कम उन दो में से एक को तो विवाहित आप कर ही दो, एक ही दिल है केन जी, कितनी बार जीतोगे। अरे क्या आजाद आसानी आ जी, जाए ना, आसनी आजाद जी, ये तो प्यार है आपका, और आपका दिल है, दिल आपका क्या वो हमारा है, हम जीतते रहेंगे जब तक, जब तक जी जब तक जिंदा है वो जीतते रहेंगे। जी सुंदर कह रहे चलिए, हैं आज आप लोगों से जुड़ करके बहुत अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि हम जल्दी जल्दी बीच बीच में आते रहेंगे इसी तरह से सहपाठी। ठीक है, ये तो आज पहला डेमो था, ये मान लीजिएगा,
है ना, तो इसमें नहीं छोटा हूँ भाई साहब, क्या बात है, आप छोटे बने रहे, क्योंकि छोटा जितना रहने में मजा, छोटे रहने में उतना किसी में भी नहीं है, मतलब मिला के एक वो देवर बना रहना चाहते हैं। चलिए खाए छोड़िए, मैं तो ये मानता हूँ कि शादी पहले हो जाती है वो बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर मुन्ना जी काफी बड़े हैं हमसे, क्योंकि शादी काफी वर्षों पहले हो गई है, 2010-11 में हो गई थी, तो काफी बड़े हो चुके हैं हमसे, तो ये क्या है अब चलिएगा, तो यहाँ से हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, मैं दो पंक्ति आपको दूंगा और उसी के साथ हम चलते हैं लाइव ऑफ की तरफ, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी आपके बीच में, फिर से रूबरू होने वाले हैं, और अब की बार जो सेशन होगा वो सचिन कुमार निगम का नहीं बल्कि सचिन कुमार केन साहब का होगा, अब की बार जो भूमिका केन साहब ने निभाई अब की बार से हम निभाने वाले हैं, और मुन्ने जी आपका स्वागत है, जिस दिन आपके पास समय है आप जरूर आइएगा, हम आपको अपने साथ में जोड़ करके आप इसको सेशन को रखना चाहेंगे, हम आपसे निवेदन करते हैं जिस दिन आपको समय लगे आप आइएगा, आपका स्वागत है, अब आप ये ना कहें कि आपने मुझे ये सहन है, आप ही के पास है, आप समय रख लीजिएगा जिस दिन आपको चल रहा है, चलिए और हम दो पंक्तियों से यहाँ से निकलते हैं पतली गली से, ठीक है, मैंने राहत इंदौर साहब को सुना उनके लहजे में दो पंक्ति आपको देता हूं, झूठ है सच है, झूठ है सच है, झूठ है सच है, पता नहीं क्या क्या है, झूठ है सच है, पता नहीं क्या क्या है, अदब से पेशा और बता मेरी खता क्या है, तो दोस्तों इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, एक मिनट, संडे को आप लोगों ने सुपर संडे बना दिया, आनंद तिवारी जी वास्तव में मकसद भी हमारा यही था, और हमें लग रहा है कि वो मकसद पूरा हुआ, चार पंक्तियों के साथ में आपको छोड़े जाते हैं, बहुत ही बड़े शायर की दो पंक्तियां उधार लेते हुए आज के इस लाइव स्ट्रीम का हम यहीं पर समापन कर देते हैं, कल शायद हाँ पुड़वाना हो सकता है, मुनिंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए हम आपके स्वागत में पलके बिछा करके बैठे हुए हैं, चलिए कल ही आपको लेते हैं, और कल यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ में एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, जल्दी से आइएगा, और आने से पहले पता जरूर देना, उसी के हिसाब से हम अपना जो शेड्यूल है उसको आपके लिए फ्री रखेंगे, तो सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, नमो बुद्धाय, जय भीम, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया, जय भीम, जय भीम, जय, बड़े।